नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना लोकोकी की पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में 9 आरोपियों को किया काबू। संगरूर पुलिस ने लूटपाट करने वाले जीजा साला सहित 3 आरोपियों को किया काबू। एक 315 बोर का देसी पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल और लूट की नकदी की बरामद। जालंधर बस स्टैंड पर बस निकालने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, एक व्यक्ति का कटा अंगूठा। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना लोपोके की पुलिस ने लाखों रुपयों की ड्रग मनी सहित 9 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इन आरोपियों को काबू किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बलदेव सिंह निवासी कक्कड़ कला, गुरजंट सिंह निवासी नथुपुरा, तनवीर सिंह निवासी चेहरट्टा, संदीप सिंह निवासी पठान माजरा जिला पटियाला, जसवंत सिंह निवासी नूरपुर, कुलदीप सिंह और भगवान सिंह दोनों निवासी घरिंडा एवं योगेश और अजय के तौर पर हुई है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल मिलाकर 14,55,000 रुपयों की ड्रग मनी, 110 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, 2 जिंदा रोंद, 5 मोबाइल फोन, एक डोंगल, 2 कारें, एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये मिति 11/11 नूं सानू एक सीक्रेट इतलाह मिली सी। एक कक्कड़ पिंड दा बलदेव सिंह दिब्बा है, वह पार तो कोई समान मंगा के हीरोइन वगैरह तो अगे सप्लाई करता बेचता सी। उस असी उन्हूं अरैसट किया, उतों गांह फिर एक बंदा गुरजंट सिंह अरैसट किया जी। उन्हां तों पता लगा भी ये बंदे एक तरनवीर सिंह नां दा बंदा उन्हूं इन्हां हीरोइन चक के देंदे आ जी। फिर उन्हूं अरैसट किया जी। उतों पता लगा सानू गांह पुछ के चाहे भी ये ड्रग मनी जो पैसा आता है हीरोइन का थ्रू किसी चैनल राही किसी बाहरले देश राही उधर पाकिस्तान भेजते जी। फिर 2 बंदे जिहड़े व्यक्ति सीगे पटियाले जिले नाल संबंधित आ, वो ड्रग मनी लैन आए अरैसट किए जी। 2 बंदे जिहड़े होर उन्होंने अरैसट ड्रग मनी देन आए सी वो अरैसट किए। टोटल ये असी 7 दोषी अरैसट कर लिया जी, जिन्हां विचों 3 जेल भेजते आ ते 4 अजे साढ़े कोल रिमांड आ, 2 रिमांड आ, 2 साढ़े कोल पेश करने। बरामद हो बरामदगी हुई है इन्हों को करीब 13 लाख रुपया दे करीब ड्रग मनी रिकवर हुई है जी। मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट में लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पिछले कई दिनों से मोटरसाइकिल सवार लुटेरों का आतंक मचा हुआ था, जिन्होंने कई पेट्रोल पंप और किराने की दुकानों पर रात के समय पल्सर मोटरसाइकिल पर पिस्तौल की नोक पर वारदातों को अंजाम दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी संगरूर सुरेंद्र लांबा ने बताया कि इन लुटेरों की एक घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिश्ते में जीजा साला जो कि मुख्य आरोपी हैं उन्हें एक साथी सहित गिरफ्तार किया है, जो कि संगरूर जिला के ही रहने वाले हैं और हाल ही में जेल से बाहर आए थे, और ये अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम देने लगे, जिसके बाद डीएसपी मनोज गोरसी की अगुवाई में बनाई गई टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 315 बोर का देसी पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल और लूट की नकदी बरामद की है, जबकि इनका एक साथी आपसी लड़ाई में घायल हुआ था, वह अस्पताल में उपचाराधीन है और जीजा साला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग नशे की पूर्ति के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 14 तारीख तो लेके 17 तारीख तक संगरूर जिले से 3 खोदी वारदातें हुई, जिसे पल्सर मोटरसाइकिल से कई वारदातों से 2 ते कई वारदात 3 मुंडे जड़े है
मूँह बन के इन्होंने तीन डिफरेंट पेट्रोल पंप्स से पैसे खोने की कोशिश की, तो पैसे खोए भी, तो एक किराना शॉप से जोड़ा है नजायज़ असले की नोक पर इन्होंने पैसे खोए। आ चारों वारदातों से जोड़े इनवॉल्व तीन दोषी है, उन्होंने साड़ी टीम्स ने सी आई की टीम ने एस एच ओ सिटी संगरूर की टीम ने डी एस पी रूरल मनोज गोरसी जी की अगवाई हेठ जोड़ा है तीनों बंद अरैसट किया। अरैसट करके जोड़ा है वो उन्होंने तो फरदर एक इलीगल वैपन तो एक पल्सर मोटरसाइकिल जोड़ा वारदात से वरत्या गया है वह बरामद किया। एक जोड़ा दोषी है इन होस्पिटल एडमिट है क्योंकि वह वापस से झगड़ा हो गया तो वो संबंध से एक एफ आई आर दर्ज किया गया है। दूजे दो दोषियों फड़ के तो उन्होंने तो फरदर पूछताछ की गई हैगी, तो अगे जोड़ा है एक दोषी उन्होंने भी अरैसट किया जाएगा। जालंधर बस स्टैंड पर बस निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष पर तेजधार हथियार से हमला करने के आरोप भी लगे हैं। इस विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसका तेजधार हथियार लगने से अंगूठा कट गया। घायल व्यक्ति पटियाला बस हाईवे का इंचार्ज है। घायल व्यक्ति ने तीन लोगों सहित 10 अज्ञात हमलावरों पर तेजधार हथियार से हमला करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि बसें बाहर निकालने को लेकर ये विवाद हुआ है। इस दौरान हमलावरों ने तेजधार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उक्त हमलावर पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, तो वहीं घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार कर उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम रिंदर सिंह, पटियाला हाईवे बस हाईवे का काम करता, गड्डे से मैं देख रेख करता टूटियां की गल की अगर गड्डिया कटाते अगे भी धमकियां धुएं देंगे पहला भी मैंने जी आप कभी यह गल इग्नोर करी जाइ दसगा फिर चलो कोई नहीं माड़ी मोटी गल होंगी रही है तो हूँ भी मैंने गड्डिया कटा के अड्डे तो मैं बहर आ चार नंबर गेट के बहर मुंडा है क्या पता नहीं की इतने रखा मैंने इदा लै गया बहु फट के गुट तो मगरों कृपाना वाले से बंद सत्त अठ जने वो सके योधा सगा मन्ना इन्हों अपने बंदे से अड्डे के जिन्हें भी पता नहीं मैंने बाकी का ना नूं नहीं मैं पता नहीं छत्तर के बंद सारे मैं नहीं पता कि बाकी ना दो तीन कारण बसा का ही है जी पैसे गड्डिया कटाया तुम्हें नहीं कटाया तुम अड्डे तक पैसे की खातर ही मैंने कृपाना मारिया नंगिया कृपाना ही अंगूठा तो सारा ही लथ गया जी नाल मैं डकन की कोशिश की है हम बंदे ज्यादा होने करके एक डकिया उन्हें इतने कृपान मारी मेरी फिर मुड़के दूजे ने कृपान लंघी तो जोर ना मारी मेरे मैं डकी जाना लगी अंगूठा लथ गया सारा जी नालों। हाँ जी जिन्ना वो तीन चार भैन आप आने छत्तर चांदी है योधा आ एक गुरप्रीत आ मन्ना है होर तीन चार बंदे आप ही प्राइवेट ही कटाने। फिलौर के अधीन आते गोराया में नेशनल हाईवे पर अचानक एक सांबर सड़क के बीच आ गया जिसने घबराहट में सड़क के बीच में ही भागना शुरू कर दिया, जिस कारण नेशनल हाईवे पर निकल रहे दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन सांबर से टकरा गए, जिसके चलते दोपहिया वाहन चालकों को चोटें भी लगी और चौपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान लोगों द्वारा कड़ी मुशक्कत के बाद सांबर को काबू कर एक फैक्ट्री में बंद कर दिया गया। इस दौरान सांबर भी काफी घायल हो गया। फिलौर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सो आज ग्रैंड शहर दे विच एक बारह सिंगा जो कि जीडी रोड के उत्ते आया सीगा 2 घंटे पहला और उन्हें 3 गड्डिया जिहड़ियां नुकसानियां गई हैं उहदे जानी माली नुकसान कोई नहीं होया, परमात्मा की कृपा रही है जी। तो असी परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी भी जान जिहड़ी आ वो इस हादसे विच नहीं गई। जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर IPS स्वप्न शर्मा ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान कमिश्नरेट पुलिस द्वारा माननीय पुलिस कमिश्नर को सलामी दी गई, तो वहीं चार्ज संभालते ही नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि कमिश्नरेट क्षेत्र में कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि शहर को नशा मुक्त बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है, शहर को चोरी स्नैचिंग लूटपाट जैसी घटनाओं से मुक्त करना, ट्रैफिक व्यवस्था को
शत प्रतिशत दुरुस्त कर शहर वासियों को स्वच्छ व शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता होगी। गौरतलब रहे कि आईपीएस स्वप्न शर्मा को आईपीएस कुलदीप चाहल की जगह पर जिम्मेदारी दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तीन मेरे फोकस एरिया तो तीन रहेंगे जी। पहला है कि क्राइम कंट्रोल, पेटी क्राइम, छोटा क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उदी कंट्रोल जे अगर हो जाता है तो प्रोएक्टिवली क्राइम इन्वेस्टिगेशन। सेकंड चीज़ रहेगी जरा पुलिस का अक्सर पब्लिक पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप इन्हें इंप्रूव करना। थर्ड चीज़ जी है वो ट्रैफिक, नहीं दफ्तर का तो पता होना चाहिए ना कि मेरी कैरी ब्रांच कितने बैठी है, उन्होंने वर्क स्टेशन सुना दे प्रॉपर हैं कि नहीं है, जो मुलाजम काम कर रहे हैं सवेर तो लेकर शाम तक उन्होंने बैठने लिए ठीक ठाक चेयर टेबल लॉकर्स पंखे ये हैं मेरा फर्ज। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब फायर सर्विस में फायर ब्रिगेड जालंधर के फायरमैन अवनीश को उनकी सर्विस के दौरान की गई अच्छी कारगुजारी को देखते हुए फायरमैन से पदोन्नति कर सब फायर अधिकारी बनाया गया है, जिसके बाद सब फायर अधिकारी अवनीश ने फायर ब्रिगेड जालंधर के पूरे स्टाफ सदस्यों के साथ साथ लोकल बॉडी मंत्री बलकार सिंह का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोकल बॉडी मंत्री बलकार सिंह से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर फायर अधिकारी वरिंदर भगत, राजेंद्र कुमार, नरेश कुमार बख्शी, श्याम बाबा, राजकुमार, हरीश महिमा, प्रदीप वाल्मीकि, गौरव भारद्वाज, मुनीश सोंदी, जसविंदर पाल, रमनदीप सिंह, नवीन कुमार सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर में 15 दिन पहले हुई संदीप धवन की हत्या के बाद इंसाफ लेने के लिए सड़क पर उतरे पारिवारिक सदस्यों की ओर से अमृतसर के लॉरेंस रोड चौक में रोष प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की गई है। इस मौके पर जागदा जमीर समाज सेवी संस्था के नेताओं और सदस्यों द्वारा पीड़ित परिवार के हक में उतरकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति को उसके दोस्तों द्वारा परेशान करने पर उनके पति द्वारा आत्महत्या करने के बाद सुसाइड नोट में जो दो आरोपियों के नाम लिखे गए हैं वे दोषी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इसलिए वे ये रोष प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर जागदा जमीर संस्था के नेता सुभाष सहगल ने बताया कि उनकी संस्था की ओर से पीड़ित परिवार के हक में प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जल्द ही संघर्ष को और तेज किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं जागदा जमीर अज विधावन परिवार वालों जड़े लगातार असी संदीप धावन इंसाफ दवाने संघर्ष करते आ रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्ट एक असी उलीकिया है, क्योंकि जड़े संदीप धावन ने खुदकुशी की सी जिन्ना करके खुदकुशी की सी एक सुसाइड नोट लिखा सी जड़ा कि असी पुलिस दे दिता सी। सब इंस्पैक्टर तरलोक सिंह गेट की माणू जो एफ आई आर लॉन्च करनी सी साडे को ना ले लिया सी और उस दे बिहाव ते एफ आई आर लॉन्च हुई 6/11/2023 नू। उस तो बाद परिवार लगातार जड़ी अपने पंजाब पुलिस है जेडे एस एच ओ गेड़ की माँ है जेडे ACP हलका सेंटर है जेडे SI सरदार तरलोक सिंह है उन्होंने लगातार जेडे अक्यूज ने जेडे दोषी ने आशु चोपड़ा जो कि वृंदावन क्ले जिन्हों की कोठी है लगातार उन्होंने जानकारी देता आ रहा जिन्हों दोषियों ने की है उन्होंने असं पुलिस निरंतरन उन्होंने जानकारी दे रहे हैं कि वह फलानी जगह है उन्होंने अरैसट करो। उन्होंने परिवार को पुख्ता प्रूफ ने पर पुलिस उन्होंने अरैसट नहीं कर रही, पुलिस उन्होंने शैल्टर दे रही है। अज जेकर इंसाफ इस तरह ही अपनी अखा बंद करके रखी रखेगा पहला तो कानून की देवी की अखा बंद है तो जेकर जे इंसाफ के रक्षक ने जोड़े पुलिस अफसर ने जेड़े जनता के टैक्सा तो सैलरी लेंदे ने जो किसी ना गिव एंड टेक करके परिवार को इंसाफ नहीं दवाएंगे तो परिवार कितने जाएगा। संदीप धावन मेरे परिवार के एक मुख मुख सी अज 15 दिन हो गए ने उन्होंने एक असं इन्हों एक कतल ही कहे खुशखुशी नहीं कहे एक कतल ही कहे जो दोस्तों ने रल के तीसरे
अपना मोहरा बनाया तो उन्होंने खुदकुशी करने वास्ते मजबूर कर दिता। अज 15 दिन हो गए ने सानू अपनी आवाज़ सुनाते हुए, लेकिन साड़ी आवाज़ नू कोई नहीं सुन रहा। इस पिछे सानू अज सड़क असी कई इज्जतदार फैमिली तो बिलोंग करते हैं, सानू कोई शौक नहीं है सड़क के उत्ते इकट्ठे हो के प्रोटेस्ट करन दा, लेकिन साड़ी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। पुलिस तक सुती हुई है, उन्होंने तक साड़ी आवाज़ नहीं जा रही। इस पिछे सानू सड़क से उतरना पिया है। शिव शक्ति मंदिर अनूपनगर बस्ती दानिशमंदा जालंधर में 13वां वार्षिक मां भगवती का जागरण बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं उत्साह के साथ करवाया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान बंसीलाल और मुख्य पंडित जयप्रकाश ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सेवादार बिंदर, अनमोल सिंह, सचिन, गगनदीप घई, सनी पूरन, अश्वनी काला, चितेश, निरंजन, परमिंदर, कुलविंदर सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। इस दौरान आए हुए मां भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। महारानी जी का 13वां विशाल जागरण बड़ी श्रद्धा के धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। सो जागरण के उपलक्ष्य लंगर की सेवा बड़ी जोर शोरों में चल रही है। सो सारिया संगतों को बेनती है कि जागरण के आओ, महारानी जी का आशीर्वाद लेके जाओ। सो एक बार फिर से संगतों मेरे वालों महामाई जी का जागरण की लख लख बधाई। मुक्तेश्वर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी स्वामी लोचनानंद आश्रम बस्ती 9 में पंडित मनोज कुमार तिवारी के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन की शुरुआत हुई। स्वामी लोचनानंद सरस्वती एवं स्वामी जगदीशानंद महाराज की प्रेरणा से शुरू हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास देवकी नंदन पटियाला वालों ने अपने मुखारविंद से कथा का रसपान करते हुए श्रीमद् भागवत महात्म्य श्री शुकदेव परीक्षित संवाद एवं ध्रुव चरित्र का वर्णन कर उपस्थित संगत का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर पंडित मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि इस महायज्ञ में कई संत विभूतियां पहुंच रही हैं, जिनमें विशेष रूप से महामंडलेश्वर महंत गंगादास, महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास, महंत बंसीदास, महंत प्रेमदास, महंत गोवर्धन दास, महंत सिया शरण दास, महंत छोटन दास, पंडित राजकुमार मिश्रा, पंडित शिवधर द्विवेदी, पंडित राजकुमार तिवारी कथा में पहुंचकर संगत को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने आगे बताया कि कथा में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुशील रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, पूर्व पार्षद कमलेश ग्रोवर, समाज सेवक योगेश मल्होत्रा, राजकुमार मदान, समाज सेवक पहुंचकर आशीर्वाद लेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कार्तिक महीना के उपलक्ष्य में भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा के उपलक्ष्य में जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी है, ये सब के सहयोग से, नगरवासियों के सहयोग से एक कथा कराया जा रहा है, जिसमें संत महात्मा और राजनीतिक, धार्मिक सभी तरह के आदमी पधार रहे हैं। और आप सभी से ये निवेदन है कि ये कार्तिक महीना की कथा, जो बड़े पुण्य की बात होती है, जिसमें ये कथा का श्रवण हमारे स्वामी देवकीनंद जी महाराज जो पटियाला वाले हैं उनके मुखारविंद से सभी को श्रवण कराएंगे। और ये कथा का प्रेरणा स्रोत स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी हैं, जो ऋषिकेश में निवास करते हैं, आज हमारे यहाँ यहीं पर विराजमान हैं। उनके प्रेरणा स्रोत से ये भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। श्री भागवत भगवान की आरती।
माँ अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद जालंधर में आमलाम पूजन महोत्सव बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के चलते तुलसी विवाह की रस्मों में सर्वप्रथम मेहंदी की रस्म पूरे विधि विधान से की गई। इस दौरान महिलाओं ने माँ तुलसी को मेहंदी लगाने के बाद अपने हाथों में भी मेहंदी लगाकर इस रस्म को पूरा किया। इस अवसर पर प्रधान अनिल ज्योति ने बताया कि 27 नवंबर दिन सोमवार को मंदिर के रामतलाई सरोवर में दीप दान के साथ महोत्सव संपन्न होगा। उन्होंने सभी भक्तों से इन पुण्यमयी दिनों का लाभ उठाने की बात कही। इस अवसर पर अनिल ज्योति, रेणुका, प्रवीण महाजन, विपन उप्पल, राजेश शर्मा, राजेश ज्योति, नरेंद्रपुरी, अश्विनी हांडा, लक्की कपिला, सुदर्शन भार्गव, हितेंद्र, अरुण कपूर, राजेश नोना, विपन ज्योति, हरीश सैनी, गोपाल कृष्ण सोनी, राजेंद्र ज्योति, विशुपुरी, पंकज ज्योति, हरपाल सिंह, दीपक, जपनीत, शिवी, पलक, रजनी, अनु, रमा ठाकुर, सीमा और शिखा भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मान पुण्य के मंदिर विच मेला चल रहा जी आमला पूजन का। इस मेले सारे श्रद्धालु देखते हैं कि हर साल इतने कोई ना कोई डिवेलपमेंट नवी हुई है। इस बार इतने शनि मंदिर की स्थापना की जा रही है। मां के आशीर्वाद नाल और भक्तों के सहयोग के नाल इतने अगले साल असी इन्हां दिनां विच शनिदेव के दर्शन करांगे। शनिदेव के मंदिर के लिए सारयां नूं अपील है कि दिल खोल के दान देन। जे किसी ने सीमेंट देना है, सरिया देना है, इट्टां देना है जां नगद रूप के कुछ भी देना है, साढ़े इत्थे विपन उप्पल जी हुंदे ने, उन्हां कोल आके उह दे के जाण। जय मां अन्नपूर्णा। राष्ट्रीय गोरक्षा महासंघ की तरफ से गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में पंजाब में पहली बार एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथी गेट, शक्ति मॉडल स्कूल शर्मा कॉलोनी, टैगोर मॉडल स्कूल लाहौरी गेट, प्रभाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मिशन आगाज महिला, नव चेतना अभियान के 200 से अधिक बच्चों ने गौ माता का प्रचार किया और समाज में गौ माता की पूजा एक दिन नहीं हर रोज करनी चाहिए इसका संदेश लोगों को दिया। यह शोभा यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा की अगुवाई में हुई, जिसमें अमृतसर के विभिन्न संगठनों ने और संतों ने भाग लिया। तो वहीं यात्रा की समाप्ति दुर्गियाना तीर्थ में की गई, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने गौ माता की पूजा अर्चना की और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा में शामिल स्कूल के बच्चों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि गौ माता हमें हमारी जिंदगी में बहुत कुछ देती है और उनके आशीर्वाद से बहुत से बिगड़े कार्य बनते हैं। उन्होंने कहा कि गौ माता की महिमा बच्चों को बताने के लिए ही बच्चों को इस यात्रा में शामिल किया गया है। हम सभी को मिलकर सड़क पर घूम रही गौ माता को गौशाला में पहुँचाने के लिए एक साथ प्रयास करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सभी शहरवासी इसी तरह से सहयोग करते रहें तो एक दो वर्षों में भी अमृतसर की सड़कों पर एक भी गाय नहीं रहने देंगे। अभी तक राष्ट्र गोरक्षा महासंघ ने अमृतसर में 2 सरकारी गौशाला शहरवासियों के सहयोग से खुलवाई हैं। इस अवसर पर MLA कुंवर विजय प्रताप, DAV स्कूल के दीपक शूर, विकास पराशर, टैगोर मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल समीर भाटिया, शक्ति मॉडल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार, प्रिंसिपल राजेश कौंडल, मिशन आगाज की प्रवीण कुमारी, ममता कुमारी, प्रभाकर स्कूल के प्रिंसिपल राजेश, अश्नील जी महाराज, साई नवाब शाह जी, नोवा मेडिसिटी अस्पताल के डॉक्टर चेतन शर्मा के साथ कई सेवियों ने भाग लिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर रोहन मेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र गोरक्षा महासंघ तो। अज असी जी पंजाब की पहली शोभा यात्रा जी गौ माता की कड़ी है गोपाष्टमी से, जेदे 250 के करीब जे अलग अलग स्कूल के बच्चों ने पार्टीसपेट किया वा। तो साडा एको ही मैसेज है कि जी गौ माता की पूजा वा, जिस तरह गौ अष्टमी से होंगी उस तरह सारा साल होनी चाहिए है। तो जड़िया सड़कों के उपर गौं ने वह भी साड़ी जिम्मेवारी है। सानू भी बहुत दुख हों भी जो उन्होंने कोई भी दिक्कत आती है, असं सड़कों देखते हैं तो कोशिश करांगे असी ज़्यादा तो ज़्यादा असी सानू एक पासे होना पड़ेगा। जां ते असीं उन्हां नूं गौ माता मान लीए जां असीं उन्हां नूं मनना बंद कर दीए। असीं दिलों मानने हाँ ते अज असीं सड़कां ते आए हाँ ते जिहड़ी अज छोटी असीं यात्रा बच्चों नाल कढ़ी है, आने वाले टाइम दे विच हज़ारां लखां करोड़ां दे हिसाब नाल बच्चे साडे नाल जुड़नगे
तो जो असं गौ माता का प्रचार करा तो घर घर में जी गौ माता की पूजा जी की जाए अराउंड 250 बच्चों ने जरा हिस्सा लिया असं हाल गेट तो लैके दुर्गियाना मंदिर तक यात्रा कटा उस तो बाद गौ माता का पूजन किया जाएगा तो बच्चों को एप्रीशिएशन सर्टिफिकेट दिता जाएगा। बिल्कुल सर पूरे पंजाब पहली बार जारी यात्रा की है अज गौ माता जी के संबंध में जी रोहन जी ने उपराला किया है यात्रा कटी है मैं रोहन जी ने पूरी टीम को बधाई देना है नाल ही मैं बेनती ये करांगा कि आप गौ माता जी की रोज़ पूजा करिए घर में पहली रोटी गौ माता की कढ़ीए अपने बच्चों को दसीए कि गौ माता हाडे आदरणीय आपां इन्हां नूं पूजदे आ घर में संस्कार देने चाहिए आ रोज़ उन्हां दी पूजा होनी चाहिए है नाल ही मैं सरकार को यह अज मंग जरूर करांगा इस मौके पर कि गौ माता नूं राष्ट्र का अहुदा देना चाहिए आ जिमें मोर नूं राष्ट्र पंछी का अहुदा दिता है इदां ही गौ माता जी नूं हाडे पूजने आ मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नूं और बेनती इहो ही करांगा कि इन्हां नूं राष्ट्रीय माता दा घोषित कीता जाए। प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति प्रेम खन्ना अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे थे जिनके आत्मिक शांति के लिए रखी गई रस्म पगड़ी श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड में संपन्न हुई। पंडित सोमनाथ पाठक ने स्वर्गीय प्रेम खन्ना की आत्मिक शांति के लिए पाठ पढ़कर श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर कैलाश भगत पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी पूर्व मेयर जगदीश राजा विमल जैन रमन चौधरी गगन चौधरी विपन धीर पूर्व पार्षद अश्वनी भंडारी उद्योगपति नितिन कोहली उद्योगपति विनोद घई बलराज गुप्ता प्राण चड्डा सुभाष आर्य सहित रमिता खन्ना विशाल खन्ना रुबीना खन्ना आशीष खन्ना प्रीति खन्ना अनुपमा खन्ना सारिका खन्ना मनीष खन्ना राजू खन्ना अर्जुन खन्ना भरत खन्ना अक्षत खन्ना अयान खन्ना आनंदिता भल्ला नितिश भल्ला शोभित खन्ना नंदिनी खन्ना शांतनु खन्ना सान्या खन्ना शमित खन्ना सहित राजनीतिक धार्मिक सामाजिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय प्रेम खन्ना को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जीना झूठ सच मरना इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंसान धरती पर आयु से एक ना एक दिन भी जहां से जाना पड़ेगा क्योंकि ये जिंदगी क्या है किराए का घर है एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत देखे ना छोटे बड़े आ जाए तो टलती नहीं लाख रोको तो रुकती नहीं लाख बदलो बदलती नहीं मौत सबके सिराने खड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी इंसान सोचता रहता मैंने ये करना वो करना है ये किया अधूरा रह गया। कहते कि आशा तेरे बंदे दिया हुंदियां ना पूरियां कल्प दा बतेरा फिर भी रहतियां अधूरियां उन्हां को बात जो है मन में रह जाती है। आज इस शोक सभा में आप सब उपस्थित श्री प्रेम कुमार खन्ना जी का चले जाना। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना लोकोकी की पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में 9 आरोपियों को किया काबू। संगरूर पुलिस ने लूटपाट करने वाले जीजा साला सहित 3 आरोपियों को किया काबू। एक 315 बोर का देसी पिस्तौल एक मोटरसाइकिल और लूट की नकदी की बरामद। जालंधर बस स्टैंड पर बस निकालने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद एक व्यक्ति का कटा अंगूठा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और
ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।